रोल है। सर सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, 22 साल हो गए हैं, आप किस तरह से इस जर्नी को, 22 साल एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो किस तरह से इस जर्नी को आप सफर किए? 22 साल की जर्नी जो है वो उसमें हर तरह की चीज़ें आई हैं, बहुत मुश्किलात भी थी बिगिनिंग के अंदर, क्योंकि किसी भी आपके कॉन्सेप्ट को या किसी भी जो नई चीज़ जो आप पब्लिक पे लेके आते हैं उसके लिए लोगों का विश्वास उसमें होना, उसमें वक्त लगता है। लेकिन हमें खुशी है कि 22 साल के बाद जो हम सोचते थे, जो चाहते थे वो हुआ, लोगों का एक अटूट विश्वास है ITI के अंदर एज ए प्लेटफॉर्म। हमारी हमेशा से कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन कर पाएँ, वो भी हुआ, और दर्शकों ने भी हमें बहुत प्यार दिया है। ITI इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अवार्ड फंक्शन ऑन टेलीविजन, सो फार एज TRP रेटिंग्स आर कंसर्न। इतना ऊंचाई को हासिल करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो आप किस तरह से सोच रहे हो इतना ऊंचाई को हासिल करना? देखिए, ऊंचाई के लिए आदमी काम नहीं करता है, लेकिन आदमी काम करता है कि एक अपने जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसकी उसकी एक सोच होती है उसको पूरा करने के लिए। तो अब उसमें हम हो सकता था कि शायद कामयाब ना भी होते, लेकिन हमने बहुत निष्ठा से, बहुत मेहनत से इसे आगे बढ़ाया, और आज भी हम उतने ही इन्वॉल्व हैं और उतनी ही मेहनत करते हैं जो हमने 21 साल पहले की थी। तो ये जो चीज़ है वो दर्शकों तक और इंडस्ट्री तक पहुंचती है, और हमारा जो जो लोगों के साथ कांटेक्ट है इंडस्ट्री के, वो बहुत पर्सनल है, वो एक इवेंट की हैसियत से नहीं है। हमारा एक विश्वास है लोगों के अंदर और लोगों को हमारे में विश्वास है, वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आप किस तरह से देख रहे हो जनता का प्यार, ऑडियंस का प्यार ITI अवार्ड्स के लिए इस साल के लिए? हर साल की तरह मुझे लगता है इस साल भी जो जिस तरह का मनोरंजन हम करते आए हैं वो बहुत अच्छा मनोरंजन होगा। बहुत टैलेंटेड लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है इस बार, और हर तरह की तरह इस बार भी कोई 20-25 डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट चैनल्स के वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस क्योंकि आज़ादी का महोत्सव है, इसलिए हम कुछ रीजनल स्टार्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी शाम होने वाली है। आप किस तरह से सोच रहे हो राकेश रोशन चेयरमैन ऑफ ITI अवार्ड्स के लिए? किस तरह से मतलब सोच रहे हैं? तो राकेश रोशन मेकिंग किए हैं, राकेश रोशन भाई बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो वो मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे चेयरमैन हैं, उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, उसके बाद इतने सक्सेसफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो उनका जो पद है वो हमारे लिए गरिमा का विषय है। डू यू एग्री विद द न्यू नाउ अ डे ऑडियंस आर मोर एंगेज्ड टू TV डेट फिल्म्स? नहीं, देखिए हर एक प्लेटफॉर्म का अपना है महत्व है, टेलीविज़न की एक अपनी ऑडियंस है, फिल्मों की अपनी है, और OTT की अपनी है। अब वो कई बार अभी OTT की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, कोविड के टाइम पे सिर्फ OTT ही लोग देखते थे, फिल्में आजकल कुछ कम हैं, लेकिन ये तीनों माध्यम जो हैं, तीनों मीडियम हैं, इनकी अपनी एक ख़ास विशेषताएँ हैं और उसकी ख़ास ऑडियंस है जो हमेशा रहेगी। Which TV serial do you like to watch? मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट, ऐसा कोई मेरा वैसा एक कोई विशेष नहीं है, मेरी ज़्यादा रुचि जो है वो न्यूज़ में रहती है, तो मैं न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ। जी, और लास्टली जाते जाते ऑडियंस के बारे में, फैंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहूँगा? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस बार 1 जनवरी को 23 को नया साल मनाएं हमारे साथ Star TV के ऊपर 8 to 12 PM ITI अवार्ड्स विल कम एंड यू विल एंजॉय इट। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, 22 साल हो गए ITI अवार्ड्स को, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? 22 साल एक बहुत बड़ा नंबर होता है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कि बहुत बड़ा नंबर है और हम पहुंच गए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी गुड फीलिंग। और ये भी है क्योंकि हम पहुँचे क्यों, क्योंकि TV इंडस्ट्री बिलीव्स इन अस, द ऑडियंस को ITI अवार्ड्स बहुत ही पसंद है,
तो आई थिंक ये कंबाइंड एफर्ट है हमारी टीम की, लोगों की, दोज हु मेक द प्रोग्राम्स एंड दोज हु वॉच द प्रोग्राम्स की वजह से इज़ वेयर वी आर टुडे। आप किस तरह से सोच रहे हो इतना बड़ा इतना हासिल करने को, इतना ऊंचाई हासिल करने को ले, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सच्ची बात है सोचती नहीं हूँ, यही है कि सोच रहे हैं कि प्रोग्राम सबको पसंद आए, कि हर साल लोग देखते रहें और नए नए लोग आ रहे हैं टेलीविज़न और OTT इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट इज सेल्फ इज अ वेरी, दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग बिकॉज यू नो के दिस इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री बन गई है। इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी न्यू, जिसको क्या कहते हैं, जॉब्स, पीपल्स होम्स, लिविंग वेल। तो ये जो छोटा सा शुरू हुआ था, थोड़े लोग थे, अब तो लाखों में एज पार्ट ऑफ दिस TV इंडस्ट्री एंड OTT। सो दैट इट सेल्फ मीन्स अ लॉट टू नॉट अस बट टू एवरीबडी अराउंड। राकेश रोशन एक डायरेक्टर भी हैं और एक एक्टर भी हैं, उनके चेयरमैन भी है IT अवार्ड्स, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहूँगा? ये कि IT अवार्ड ज्यूरी के चेयरमैन हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो इस इंडस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ट्रस्टेड एंड बहुत ही जिसको कहते हैं इंटेग्रल पार्ट हैं, एंड ही इज पार्ट, ही इज़ आवर चेयरमैन ऑफ द ज्यूरी एंड वी वेरी प्राउड टू हैव हिम विद अस। एंड एट द सेम टाइम हमारी ज्यूरी भी बहुत ही जिसको कहते हैं ना जाने माने के अलावा, दे कम विद अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी एंड दे बिलीव इन वॉट दे आर सीइंग, सो ऑल दैट टुगेदर इज वॉट आर ज्यूरी कंप्राइजेज ऑफ। आप किस तरह से देख रहे हो ऑडियंस का प्यार IT अवार्ड्स के लिए? यही देख रहे हैं क्योंकि हमारी व्यूअरशिप सब फिल्म चैनल से ज़्यादा है, यही प्यार है, हमको वहाँ दिख जाते हैं नंबर्स में, एंड एवरी ईयर टच वुड होपफुली विद दिस ईयर वी हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स वर्ल्ड ओवर देखते हैं, एंड 400 मिलियन लोग हैं दुनिया में जो पूरा देखते हैं अवार्ड्स को, दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। क्या कुछ अलग रहेगा इस बार IT अवार्ड? जो ग्राउंड इवेंट पे मैं आपको बताती नहीं हूँ, वो आपको ग्राउंड पे देखना पड़ेगा, वो अभी हम इस वक्त नहीं बोलते बिकॉज मज़ा ही चला जाता है, इससे अच्छा आके अवार्ड देखिए क्या हो रहा है, दैट इज़ इट। आप किस TV सीरियल को लाइक करते हो? हाँ, मेरे से मत पूछिए, मेरे को दूसरे मारेंगे, सो आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन एट ऑल। डू यू एग्री विद द नाउडे ऑडियंस आर मोर एंगेज्ड टू TV डेड फिल्म्स? येस आई एग्री। आप अभी क्यों, आई डोंट नो वाई दे नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल द फिल्म विच आर कमिंग, मे बी कॉन्टेंट उनको पसंद नहीं है, आई मीन पूरे साल में कहते हैं कि दे इक्के दुक्के दो तीन फिल्म हैव डन वेल, बट टेलीविजन गॉड इज काइंड इज बींग लव्ड एवरी डे एंड देर, मतलब एक TV सीरियल आधे घंटे में जो देखते हैं वो पूरी ऑडियंस वहाँ जाके हॉल्स में नहीं जाती, तो येस आई एग्री, TV इज डेफिनेटली डूइंग वे बेटर। थैंक्स फॉर लविंग अस एंड वी प्रॉमिस वी विल नेवर लेट यू डाउन, वी विल गिव यू द बेस्ट ऑलवेज, बेस्ट ऑफ ऑल योर आर्टिस्ट हू लव, हू यू लव टू वॉच आर गोइंग टू बी देयर टुगेदर एंटरटेनिंग यू, एंड थैंक यू फॉर बींग देयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मैम वन लास्ट, चैतन्य पाडुकोन